नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है जो न्यू बॉर्न में देखने को मिलती है मेनली। ठीक है, तो इस डिजीज कंडीशन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। अपन सब इन ये जो मीनिंग है इसका मतलब समझते हैं। हाइपरट्रॉफिक मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। पायलोरिक मतलब पायलोरिक पार्ट है, जो पायलोरस है, पायलोरस पार्ट है। ठीक है, एंड स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। तो इसका मतलब क्या समझते हैं, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द पायलोरस पार्ट कैन कॉज नैरोइंग ऑफ द पायलोरिक कैनाल। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पायलोरिक स्टेनोसिस। तो इसमें अपन डायग्राम की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में डायग्राम की हेल्प से अपन इसको पूरे डिजीज कंडीशन को देखेंगे, इसके असेसमेंट्स देखेंगे, इंटरवेंशंस देखेंगे और इसका मैनेजमेंट देखेंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होगी, हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मास ऑफ पायलोरिस पायलोरिक कैनाल। ओके, कैन कॉज नैरोइंग और स्टेनोसिस बोल सकते हैं, और स्टेनोसिस ऑफ पायलोरिक कैनाल बिटवीन द, ये पायलोरस जो पार्ट है ये किस, इसके स्टोमक और ये ड्यूडेनम है। ठीक है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट ड्यूडेनम, इसके बीच में पार्ट प्रेजेंट होता है पायलोरस, इसका स्टेनोसिस हो सकता है। तो बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम। अब समझो, डायग्राम में समझो, देखो ये इसोफेगस है आ रही है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमक है, ये जो पायलोरस पार्ट है इसका जो सर्कुलर मास यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सर्कुलर मास जो है इसका हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाते हैं इसके सेल्स में धीरे धीरे, इधर से इंक्रीज होंगे इधर से इंक्रीज होंगे, तो ये क्या है नैरोइंग कर देती है इस पार्ट को। तो इसको स्टेनोसिस वर्ड दिया है यहाँ पे। तो इसमें बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम पार्ट पाइलोरस कैनाल कैन बी स्टेनोसिस। ये हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मास ऑफ द पाइलोरिक कैनाल कैन कॉज नैरोइंग और स्टेनोसिस ऑफ द पाइलोरिक कैनाल बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है पाइलोरिक कैनाल का। अब इसी के हिसाब से अपन देखेंगे इसके असेसमेंट। इससे पहले अपन देखेंगे ये कब डेवलप होता है बच्चे में, क्योंकि एक कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। कंजेनाइटल मतलब ड्यूरिंग बर्थ मतलब बच्चा लेके पैदा होता है इस डिजीज को। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, आफ्टर डिलीवरी ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के फर्स्ट वीक के अंदर ही ये जो डिजीज कंडीशन है ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसकी वजह से बच्चा क्या करेगा, असेसमेंट की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो असेसमेंट की डेफिनेशन देख लिया अपन, अब करते हैं असेसमेंट की बात। असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, और इसको बोल सकता हूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी बोल सकते हैं ना इसको। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्लासिकल जो साइन होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, क्लासिकल साइन होता है वो क्या होता है, क्या होता है, ओलिव शेप्ड मास, ओलिव शेप्ड मास।
पाल्पेबल। जब अपन इसको पाल्पेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, तो अपने को ओनली शेप्ड मास पाल्पेट होगा, ठीक है। एक क्लासिकल साइन है इसका, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन देगा तो अगर इसका नाम नहीं दे के ओनली शेप्ड मास अगर आपको नाम दे दिया तो वहाँ पे समझ जाना है पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज कंडीशन है, ठीक है। तो ओनली शेप्ड मास इसका होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंट क्या पे कहाँ पे होता है? एपिगेस्ट्रम जस्ट राइट टू द अपलाइकस, ठीक है। एपिगेस्ट्रम रीजन पे प्रेजेंट होता है। एपिगेस्ट्रम रीजन क्या होता है? जस्ट राइट टू द अम्ब्लाइकस। सपोज ये एम्ब्लाइकल कैनाल है, ये एब्डोमेन अपना, ये एम्ब्लाइकल कैनाल है जो जस्ट राइट टू द अम्ब्लाइकल कैनाल। सो एपिगेस्ट्रम यहाँ पे अपन फेल्ट करेंगे तो अपने को ओलिव शेप्ड मास असेस होगा। दूसरी अपन इसकी असेसमेंट में बात करते हैं तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी इसमें। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है, मतलब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो वोमिट हो रहे हैं वो अपने से कई फिट दूर जाके वो प्रेशर से जाके गिरता है, उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोला जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है तो गैस्ट्रिक कंटेंट भी बाहर आएंगे, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आएगा तो HCl भी बाहर आएगा, और HCl बाहर आ गया तो pH गड़बड़ा जाएगी बॉडी की, और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है यहाँ पे, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस प्रेजेंट होगा। दूसरी जो इसमें प्रेजेंट होगी पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट वेव्स नजर आएगी अपने को, सीन होगी, ठीक है। अपने को ये एब्डोमेन को अपन अगर सीन करेंगे तो राइट टू लेफ्ट ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अपने को सीन होगी चलते हुए देखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसमें बात कर लेते हैं, ओलिव शेप्ड मास की बात हो गई, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट सीन होगी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और दूसरी अपन बात कर लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा ना। और दूसरा इसमें क्या है, बच्चा जो है वो खाने से मना करेगा कोई भी चीज़, उसको भूख लगती रहेगी लेकिन वो उस चीज़ को खाने से मना करेगा, ठीक है। चाइल्ड एग्जिबिट टू हंगर, चाइल्ड एग्जिबिट्स हंगर, भूख को मना करेगा वो, ठीक है, कुछ खाने का मन नहीं करेगा उसका। ये असेसमेंट की बात हो गई। अब इंटरवेंशंस की बात कर लेते हैं। इंटरवेंशन में सपोज ये ओलिव शेप्ड मास है तो इसको अपन मेडिकल ट्रीटमेंट से हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। मेडिकल ट्रीटमेंट से अपन इसका साइन सिम्टम्स रिड्यूस कर सकते हैं ओनली, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक सर्जरी करनी पड़ेगी, इन्वेसिव सर्जरी। तो उससे पहले अपन इंटरवेंशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इंटरवेंशन में बच्चे का इनटेक आउटपुट चेक करेंगे, सही है या नहीं है। इनटेक आउटपुट में यूरिन, यूरिन देखेंगे, यूरिन इंटरवेंशन, DIO इंटरवेंशन में देखेंगे मॉनिटर यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट भी लिख सकते हैं या फिर इनटेक आउटपुट भी लिख सकते हैं कि बच्चा कितना पी रहा है और कितना है बाहर निकाल रहा है, ठीक है। दूसरी जो अपन बात करेंगे इसकी, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है चूंकि, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी चेक करेंगे और साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करने का मैंने पिछली क्लास में बता दिया था मेथड, कैसे चेक करते हैं, स्किन टर्गर चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं पेशेंट का, ठीक है। दूसरा जो वोमिटिंग आ रही है, वोमिटिंग कंटेंट चेक करेंगे, बाइल स्टेंड वोमिटिंग तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग आएगी। दूसरी बात अपन इसको, अभी ये तो हो गया इंटरवेंशन साइन सिम्टम के हिसाब से, अब
अपन इसका क्या करेंगे इंटरवेंशन, एक सर्जिकल इन्वेसिव सर्जरी करते हैं जिसका नाम है पाइलोरोटोमी। ठीक है, क्या नाम है इसका? पाइलोरो, पाइलोरो, PYLORO, पाइलोरो मायोटोमी। अब ये सर्जरी है, इससे इस सब से क्या पता चला है? पाइलोरो मायोटोमी मतलब पाइलोरस का जो पार्ट है वो रिमूव कर देंगे सर्जरी के। तो ये जो सर्कुलर मास जो यहाँ पे प्रेजेंट है, सर्जरी करके ये सर्कुलर मास को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ सर्कुलर मास ऑफ पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल है उसमें जो सर्कुलर मास जो है उसको रिमूव कर देंगे। इसमें ये इन्वेसिव सर्जरी है लेकिन ये लेप्रोस्कोप के द्वारा हो सकती है। लेप्रोस्कोपिक, लेप्रोस्कोपिक मतलब दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हो सकता है इसका। ठीक है, अब इसमें बात आती है प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन की, कि सर्जरी से पहले क्या इंटरवेंशन किया जाए, सर्जरी के बाद क्या इंटरवेंशन किया जाए, तो वो सब अपन देखते हैं। अब इसमें पहले प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन देख लेते हैं। नर्स क्या है, प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या करेगी? ठीक है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग क्या करेगी? वो ये मॉनिटर पहले हाइड्रेशन स्टेटस चेक करेगी, मॉनिटर हाइड्रेशन स्टेटस। दूसरी बात यहाँ पे क्या चेक करेगी? नंबनेस स्टूल या फिर मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस चेक करेगी। सेकंड थर्ड वन क्या है? जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक हो गया, हाइड्रेशन स्टेटस चेक हो गया, दूसरा करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल एंड पेटेंसी ऑफ नेचुरिस्टिक ट्यूब। क्योंकि जो बच्चा जो है वो खाना ले रहा है लेकिन वो जा रहा तो नहीं है, तो उसके बॉडी के अनुसार उसका प्रॉपर डाइट नहीं जा पा रही, तो उसके आईवी इंटरवेंशन, आईवी के पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे या तो, या फिर उसको देंगे अपन नेजोगेस्टिक से, नेजोगेस्टिक ट्यूब डालेंगे यहाँ तक और फिर न्यूट्रिशन देंगे। तो नेजोगेस्टिक ट्यूब जो है एनजी ट्यूब की पेटेंसी चेक करेंगे, पेटेंसी मतलब वो सही जगह पे तो है ना, या फिर उसमें एयर तो अंदर नहीं जा रही, अगर एयर अंदर जाएगी नेजोगेस्टिक ट्यूब के द्वारा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है ना। मॉनिटर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, मॉनिटर एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करेंगे ये। ठीक है, ये हो गया प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन। अब पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन क्या होगा? सर्जरी होने के बाद क्या इंटरवेंशन नर्सेज का है जो करना चाहिए उसको? पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, सर्जरी हो गई इसको लिख सकते हैं आफ्टर पाइलोरो मायोटोमी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलेंगे चेक करेंगे उसका मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस तो चेक करेंगे पेशेंट के, बच्चे के घबराहट तो नहीं हो रही, पल्स तो इंक्रीज नहीं हो रही, बीपी तो लो नहीं हो रही, वो सारी चीज इसमें चेक करेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात करेंगे इसकी मॉनिटर इनटेक आउटपुट, कि बच्चे के आईवी फ्लूइड इतना चल रहा है तो आउटपुट हो रहा नहीं है उसके हिसाब से। नॉर्मल यूरिन आउटपुट जैसे आपको मैंने बताया था, नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 1500 से 2000 ml पर डे, 1500 से 2000 ml पर डे यूरिन आउटपुट होना चाहिए, नॉर्मल है। ठीक है, बाद में इसका पोस्ट ऑपरेटिव अपन क्या करेंगे? असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, असेस फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, असेस फॉर साइन ऑफ
इन्फेक्शन चेक करेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अपन जो सर्जिकल साइट है उसको ड्राई रखेंगे ताकि कम से कम इन्फेक्शन हो पाए। तो ट्राई टू ड्राई द सर्जिकल साइट, सर्जिकल साइट है उसको ड्राई रखने की कोशिश करेंगे। बाद में जो एंटीबायोटिक थेरेपी जिसमें चलेगी वो चेक करेंगे, SS एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। तो ऐसे एंटीबायोटिक थेरेपी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात अपन क्या बात करेंगे कि मॉनिटर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से अनवांटेड एयर तो इन्फ्लेट नहीं हो रही अंदर जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो जाए, ठीक है। इतनी हद तक बात हो गई। और बाद में क्या चेक करेंगे, पेशेंट को फीड तो करना ही है, तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से करेंगे या फिर IV ट्रांसफ्यूजन से करेंगे। असेस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, एक चीज़ और देखनी है इसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा। असेस फॉर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है, इन्फेक्शन के साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है, तो तुरंत अपने को क्या करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो आज की अपनी ये डिजीज कंडीशन थी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आशा है कि सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।